Now we start exercise 1.3. Question number 1. Prove that root 5 is irrational number. This is the most important question. Root 7 is irrational number. Prove that root 7 is irrational number, which is asked in board examination 2018. Here root 5 and root 2, root 7, root 11, they prove it by the same method. So prove this by the contradiction method. So what is the contradiction method? Ek simple example samjhao. Ramesh is a student. He got 90 marks. Ramesh is a brilliant student. Prove karo. So hum aise tarah prove karenge with help of the contradiction method. Ramesh a brilliant student nahi hai. ऐसे हम सपोज करेंगे. बाद में इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्मिनल के मार्क्स फाइंड करेंगे, कभी 90% है. सेकंड टर्मिनल के मार्क्स काउंट करेंगे, 92% है. प्रीलिम के मार्क्स काउंट करेंगे तो 88% है. और एनुअल के बोर्ड के मार्क्स मालूम हम फाइंड करेंगे तो भी 94% है. हमने सपोज किया था ये वीक है, बट मार्क्स के हिसाब से हमको मालूम पड़ा कभी ये ब्रिलियंट है. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रमेश इज ब्रिलियंट स्टूडेंट. इनमें भी इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. तो लेट सपोज रूट 5 इज रेशनल नंबर. मैं क्या सपोज किया, प्रूव करने का है इरेशनल, बट वी हैव टू सपोज रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. वी नो दैट एवरी रेशनल नंबर, ईच रेशनल नंबर कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. ये हम कंडीशन जानते हैं, डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर. देयरफॉर रूट 5 कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम. व्हाट इज मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर? इसके बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एस सी एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 मीन्स ए एंड बी आर द प्राइम नंबर. नाउ वी टेक क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ बी इंटू 5. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वेयर इक्वल टू स्क्वेयरिंग रूट स्क्वेयर ऑफ रूट 5, तो 5 बी स्क्वेयर. दिस इज नंबर 1. वी राइट स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, देयरफॉर 5 डिवाइड ए स्क्वेयर, 5 इज प्राइम, ए इज प्राइम. देयरफॉर 5 डिवाइड ए, दिस इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 1.3. दिस इज नंबर 2. अगर ए को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो मीन्स ए इज फैक्टर ऑफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए, देयरफॉर ए इक्वल टू 5 ए 1
वेर ए वन बी एन इंटीजर ए वन बी एनी इंटीजर अगेन स्क्वेरिंग बोथ साइड ए स्क्वेर इक्वल टू फाइव स्क्वेर ए वन स्क्वेर वी राइट स्क्वेरिंग बोथ साइड वी पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेर फ्रॉम वन तो फाइव बी स्क्वेर इक्वल टू फाइव स्क्वेर ए वन स्क्वेर वी राइट फ्रॉम वन वन फाइव इज कैंसल वी ऑब्टेन बी स्क्वेर इक्वल टू फाइव ए वन स्क्वेर देयरफॉर फाइव डिवाइड बी स्क्वेर और फाइव इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वेर को एनी वन रह सकते हैं देयरफॉर फाइव डिवाइड बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3 दिस इज 3 फ्रॉम 2 एंड 3 5 डिवाइड ए एंड 5 डिवाइड बी देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी देयरफॉर एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 5 दे आर नॉट को दे आर देन दे आर नॉट को प्राइम देयरफॉर अवर सपोजिशन इज फॉल्स देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल हेंस प्रूव हमने प्रूव कर दिया दिस इज वी प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमने पहले रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी रेशनल सपोज किया एंड राइट ए अपॉन बी फॉर्म वी प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल